सभी माता चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जन्मे। कई बार माता को ये भी पता नहीं होता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे कौन से फ्रूट्स खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं। उसके साथ ये भी उसे पता नहीं होता कि कोई फ्रूट्स कब खाने चाहिए और कितनी मात्रा में खाने चाहिए। आज हम ये सारी जानकारी जो एक प्रेग्नेंट मदर को होनी चाहिए उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कौन से फूड या फ्रूट खाना है और नहीं खाना है, ये जानकारी का अभाव कई सारी माताओं को होता है। इस जानकारी के अभाव से उसे मिसकरेज भी हो जाता है। तो कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? सोचिए जरा, यहाँ पे दिए गए फ्रूट्स का सेवन आप बिना जानकारी के बिल्कुल ना करें और सही मात्रा में करें। आप अगर प्रेग्नेंट है तो सबसे पहला जो फ्रूट है वो है कच्चा पपीता, जो आपको नहीं खाना है। रो पपीता में एक घटक होता है जिसे अबोटिक एजेंट माना जाता है, इसीलिए आपको कच्चा पपीता जरूर अवॉइड करना है। पपीता के सीड्स पेट में खराबी ला सकता है, इसीलिए आप पपीते के सीड्स को भी अवॉइड करें। हाँ, आप पका हुआ पपीता सेकेंड ट्राइमेस्टर से जरूर खा सकते हैं। पका हुआ पपीता भी आप एक या दो स्लाइस ही खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। पका हुआ पपीता एक राइप फ्रूट है, इसीलिए इसका सेवन हम बताए गए मात्रा में करते हैं तो उससे विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है। दूसरा जो फ्रूट है वो है आम, यानी कि मैंगो। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आम कैसे और कितने खाने चाहिए ये बात जाननी बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ज्यादा आम का सेवन करने से मिसकरेज हो सकता है, आम खाने से शरीर में हीट भी बढ़ जाती है इत्यादि। आप अगर आम का सेवन सीजन में अमुक मात्रा में करते हैं तो वो एकदम हेल्दी है माता और शिशु दोनों के लिए, क्योंकि आम में बहुत मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी आम में से ही तो मिलते हैं। इनके साथ आम में से महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस जैसे कि फाइबर और पोटेशियम भी होते हैं, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप आम खा सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि आम कितनी मात्रा में खाना चाहिए। आप आम की रोज एक या दो क्वांटिटी जरूर खाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तीसरा जो फ्रूट है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। आज हम जानेंगे कि पाइनएप्पल खाना चाहिए या नहीं। पाइनएप्पल आप जरूर खा सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल के स्लाइस का बीच वाला हार्ड पोर्शन आपको नहीं खाना है। और एक बात आप जरूर याद रखें कि आपको पाइनएप्पल जब पाइनएप्पल की सीजन होती है तब ही खाना है। उसको खाने की मात्रा की बात करें तो पाइनएप्पल की आप दो या तीन स्लाइस ही खाए, उससे ज्यादा ना खाए। इतने सारे फ्रूट्स की जानकारी के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप हर एक फ्रूट्स खा सकते हैं जो सीजनेबल है। बिना सीजन का कोई भी फ्रूट्स खाने से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन्स या न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप जो फ्रूट्स खाना चाहे वो खा सकते हैं, बस वो सीजनेबल होना चाहिए और उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।